हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने टाइप के स्टील होते हैं, यानी कितने टाइप के स्टील बार यानी रेनफोर्समेंट के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि साइट पे जो सरिया यूज करते हैं वो कितने टाइप का होता है, या आपका घर बन रहा है जो आप सरिया या स्टील ख़रीदते हो तो उस पर क्या क्या आपको चेक करना होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले Fe 500 के बारे में बात करेंगे। Fe 500 है क्या? Fe आयरन को इंडिकेट करता है और 500 मिनिमम एल्ट स्ट्रेस इन 500 न्यूटन mm² यानी मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Fe 500D ये आयरन डिफॉर्म बार है, यानी डी जिसमें लगा है उसमें कार्बन की परसेंटेज कम है, इसीलिए Fe और Fe 500D दोनों में बहुत ही फ़र्क है और Fe 500D ही आपको यूज करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे TMT बार, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार यानी TMT बार। आप कभी भी घर बनाएंगे तो आप TMT बार ही ख़रीदेंगे, और TMT बार का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है आपको मैं इस आप देख रहे होंगे। ये एपॉक्सी बार है, ये वीडियो में आपको दिख रहा है एपॉक्सी बार है। ये यूज होता है केमिकल प्लांट में या आप सेप्टिक टैंक जहाँ बनाएंगे वहाँ पे ये यूज होगा, क्योंकि ये कोरोजन रेसिस्टेंस बार होता है। उसके बाद हम बात करेंगे HSD हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, उसके बाद SD सुपर डक्टिलिटी बार, CRS कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार, HYSD हाई एल स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। मार्केट में TMT या HYSD बार ही आपको अवेलेबल है, या आप साइट पे 550D TMT बार या 550D HYSD बार ही आपको मार्केट में मिलेगा, आपको यही यूज करना है। और मैं आपको बता दूं कि TMT बार का बेनिफिट क्या है, एक्सीलेंट डक्टिलिटी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी इसकी गुड है, और 500 और 550 है क्या इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। यानी आप जब भी टेस्ट करेंगे स्टील बार को लैब में तो Fe 500 का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 500 न्यूटन mm² और Fe 500 का टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 585 न्यूटन पर mm². तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको मालूम है, कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है और स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए हम कंक्रीट के अंदर स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग एजेंट ज़्यादा होता है स्टील के अंदर और टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों में मिक्स होता है, इसीलिए हम कॉलम के अंदर स्टील यूज करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और भी आप लोगों को स्टील के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि स्टील के बारे में आपको कौन से मार्केट में स्टील अवेलेबल है और आपको घर बनवाने के लिए कौन सा स्टील यूज करना है।